हेलो नमस्कार दोस्तों, गाड़ी ज्ञान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में हर एक मध्यम वर्गीय परिवार या फिर कह ले छोटा परिवार को अपना एक छोटी सी गाड़ी खरीदने का शौक जरूर होता है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो इतनी ऑप्शंस रहती हैं कि हर कोई हो जाता है कंफ्यूज। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए ले आए हैं टॉप 5 बेस्ट फैमिली कार्स अंडर 6 लाख। दोस्तों, इस लिस्ट में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हमने ली हैं जो कि आपके लिए हो सकती है परफेक्ट। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और गाड़ी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपनी गाड़ी नंबर 5 के साथ। नंबर 5 पे जो गाड़ी आती है उसका नाम है मारुति की ऑल्टो 800, मतलब कि भारत की सबसे प्यारी लाडली दुलारी गाड़ी। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 800 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि जनरेट करता है 47.3 bhp का पावर। दोस्तों, ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है पेट्रोल, दूसरा है CNG। ये गाड़ी आपको पेट्रोल पे 20 से लेकर 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, और CNG पे ये गाड़ी आपको 31 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। दोस्तों, गाड़ी में 5 सीट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नई ऑल्टो 800 में आपको MP3 प्लेयर और टच स्क्रीन मॉडल भी देखने को मिलता है जो कि इसके टॉप वेरिएंट में उपलब्ध है। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 3 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 4,40,000 रुपए तक एक्स शोरूम प्राइस। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। दोस्तों, ये भारत में मिलने वाली सबसे क्यूट गाड़ी। दोस्तों, इस गाड़ी में देखने को मिलता है 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल एंड CNG इंजन। दोस्तों, ये गाड़ी जनरेट करती है 67 bhp का पावर। दोस्तों, गाड़ी में 5 लोग के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती है। गाड़ी में MP3 प्लेयर और टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस गाड़ी में पेट्रोल में 10 मॉडल और CNG में 4 मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी आपको पेट्रोल पे 20 से लेकर 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, और CNG पे ये गाड़ी आपको 31 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। दोस्तों, यहाँ पर इस गाड़ी में एक छोटी सी कमी है जो कि मुझे बुरा लगता है थोड़ा सा एस्प्रेसो में, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों, जो अगर आप एस्प्रेसो का डैशबोर्ड देखो ना, तो जब आप जो ड्राइवर चलाता है उसको नैनो वाला फील आता है। दोस्तों, आप कभी नैनो चलाए होंगे तो वही आप इस बात पे यहाँ पर नोटिस करेंगे। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर इसको बीच में कर दिया गया है, तो आखिर क्यों यार इतनी क्यूट इतनी जबरदस्त शानदार गाड़ी बनाने के बाद भी यार नैनो वाली फील आती है। अगर हम इसे साइड में रखें तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर लगती है। हालांकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि यार जो मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो बीच दिया है थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर तीसरे की तरफ चलें तो वो गाड़ी है डैटसन की रेडिगो। दोस्तों, हाल ही में डैटसन वालों ने अपना 2020 वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है जिसको आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये गाड़ी 800 सीसी और 1000 सीसी दो इंजन मॉडल में आती है। ये दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पर ये 800 सीसी वाला मॉडल जनरेट करता है 53 bhp का पावर और 1000 सीसी वाला इंजन जनरेट करता है 67 bhp का पावर। गाड़ी में आपको 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर से लेके 22 किलोमीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाता है। यह गाड़ी पेट्रोल में 6 मॉडल्स में आती है जिसकी कीमत शुरू होती है 2,83,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 4,73,000 रुपये तक। नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ें तो उस गाड़ी का नाम है वैगनार, भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फैमिली गाड़ियों में से एक। दोस्तों, ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन गाड़ी है जिसके अंदर आपको यहाँ पर 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है 998 सीसी का और दूसरा है 1197 सीसी का। दोस्तों, जो इसका पहला इंजन है वो एक 3 सिलेंडर इंजन है और दूसरा इंजन एक 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों, ये गाड़ी आपको यहाँ पर पेट्रोल में 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, और आपको यहाँ पर इसका CNG मॉडल भी आता है जिसमें आपको 31 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। इस गाड़ी में आपको MP3 और टच स्क्रीन दो मॉडल में ये गाड़ी आती है। यहाँ पर इस गाड़ी कीमत की बात की जाए तो इस गाड़ी कीमत शुरू होती है 4.5 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 6 लाख रुपए तक। जो इसका 1.2 लीटर वाला वेरिएंट है ये जनरेट करता है 81 bhp का पावर, जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी इसे बनाती है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें वैगनार की तो ये गाड़ी भारत के परिवारों में काफी ज्यादा फेमस गाड़ी है, और आपको हर दो घर छोड़ के किसी भी आपको कॉलोनी में ये गाड़ी जरूर देखने को मिलती है। तो सेल्स एंड अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है वैगनार की। अब दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं अपने लिस्ट में नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है टाटा टियागो। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको नंबर 1 रखने का बहुत बड़ा रीजन है इसका सेफ्टी। दोस्तों, परिवार में जब सब सुरक्षित रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो टाटा टियागो को वो यहाँ पर सेफ्टी मिले हैं 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग, जो कि इस सेगमेंट की सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित गाड़ी इसे बनाती है। दोस्तों, ये गाड़ी थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन जो इसका सेफ्टी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।
इस गाड़ी में देखने को मिलता है आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दो प्रकार के ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। ये गाड़ी आपको 23.84 KMPL का माइलेज देती है और 1 लीटर फ्यूल जो कि अन्य गाड़ियों से काफी ज्यादा है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी ने दिया है। जी दोस्तों, बिल्कुल उसे सुना, हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो कि बलिनो वगैरह में देखने को मिलते हैं 9 लाख 10 लाख की गाड़ी लगाने के बावजूद, लेकिन आपको यहाँ पर टाटा टियागो में काफी कम कीमत में हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। 7 इंच का टच स्क्रीन आप इसके डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कीमत की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 4,70,000 से और टॉप मॉडल कीमत जाती है 6,73,000 रुपए तक। हालांकि ये गाड़ी 6 लाख रुपए से थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एक मजबूत गाड़ी चाहिए, अपने परिवार को एक सेफ गाड़ी देना है, तो टाटा टियागो इस बेस्ट चॉइस। अब दोस्तों बढ़ते हैं कंफ्यूजन की तरफ, कौन सी गाड़ी आपके लिए होगी सही। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो यहाँ पर अगर आप मारुति सुजुकी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको सीधा फायदा CNG का मिलता है। अगर आपके पास CNG गाड़ी है तो आपको माइलेज की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है दोस्तों, ये एक बाइक से भी ज़्यादा बेहतर माइलेज आपको CNG गाड़ी देती है। वहीं बात करें पेट्रोल मॉडल में तो आपके पास टियागो और डैटसन रेडिगो में अच्छे खासे चॉइसेस देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बजट आपका क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपका बजट लो है तो आप ऑल्टो एक्सटेंडेड ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा हाई बजट है तो डैटसन रेडिगो देख लीजिए, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई है तो आप यहाँ पर टियागो देख सकते हैं। ओवरऑल आपको कौन सी गाड़ी लेनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए गाड़ी ज्ञान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाड़ी ज्ञान फॉर मोर ऑटोमोबाइल वीडियोज़।